हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेशाज क्रिएटिविटी। मेरे सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। और आज का वीडियो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो वेट कर रहे थे, इसीलिए मैं लेकर के आई हूँ। और आज के वीडियो में मैं शेयर करूँगी अपनी रसोई के और अपने लिविंग एरिया की जो मैंने डेकोरेशन चेंज की है वो, और इसके अलावा बेल्कनी का कुछ सामान था उसको रिपेयर किया है, उसको दोबारा से नया किया है। तो यही आज का वीडियो है। और इस टाइप का जो वीडियो है, आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत बार बोला था कि मैं व्लॉग्स बनाऊं, व्लॉग्स बनाऊं। तो व्लॉग भी जल्दी लेकर के आऊँगी। अगला वीडियो भी ज़रूर देखें क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखें, आपको तभी पता चलेगा। तो देखिए, जितना भी हर बार पूरा घर चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। अब चूंकि त्योहारों का समय है तो इस टाइम पर अगर घर में हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं तो बिल्कुल लुक, नया सा लुक निकल करके आता है। तो ये देखिए मैंने क्या किया, अपने ये जो DIY मैंने सोफ़ा कवर बनाया था, यानी कि खुद ही बनाया था सोफ़ा कवर, आप सबके साथ में शेयर भी किया था मैंने, वो सोफ़ा कवर मैंने यहाँ पर स्प्रेड किया है। और इसके अलावा जो रेक्टेंगल पिलो आप फ्लोरल वाला देख रहे हैं वो भी एक DIY है, यानी कि खुद ही बनाया हुआ है, और वो मैंने स्प्रेड कर दिया है। और एक चीज़ और भी बताऊँ, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर घर में कोई हर बार नई चीज़ ही खरीद करके लगाएं तभी आपका घर खूबसूरत लगेगा। काफ़ी सामान को अगर आप इधर से उधर चेंज कर देते हैं तभी भी घर में बिल्कुल नया लुक निकल करके आता है। और इस टाइम तो वैसे भी फेस्टिवल का त्यौहार है, फेस्टिवल का टाइम है सॉरी, तो घर में चेंजेस अच्छे लगते हैं। और ये है मेरा यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन, ये आप सबका प्यार है और इसको जितनी बार भी मैं देखती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा काम करने की, अच्छा काम करने की प्रेरणा इससे मिलती है। और ये देखिए अभी मैंने सब कुछ चेंज कर दिया है तो आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ ये। और अभी बिल्कुल ब्लू थीम मैंने की है यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से किया है। यहाँ पर मैंने कुशन्स वगैरह लगाए हैं। और ये देखिए मेरी सेंटर टेबल जो थी इसको भी मैंने चेंज किया है क्योंकि थोड़ी सी चेंजेस करने से बिल्कुल नया लुक निकल करके आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मेरे घर में आपको मेरे DIY हर जगह देखने को मिल जाएंगे। और इस तरह के DIY आपके घर में बहुत यूज़फुल होते हैं। और ये कुशन, राउंड कुशन और ये रेक्टेंगल वाले कुशन भी DIY हैं। तो आज जो भी डेकोरेशन की है मैंने सारी अपनी DIY से ही की है। और मैं इस वाले कुशन की बात कर रही थी, ये मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था, तो इसका वीडियो मैं ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगी, अगर नहीं चेक किया है तो ज़रूर चेक करें। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लग रहा है। इसके बाद में ये मैंने की है, यहाँ पर रीअरेंज की है अपनी ये लेडर शेल्फ जो है। इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक जो हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ परचेस करने का मन बनता है या फिर आप सोचते हैं तो आप आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके आप परचेस कर सकते हैं। और ये है मेरी DIY वॉल शेल्फ। और यहाँ डाइनिंग टेबल पर मैंने इस तरीके से थोड़ा सा अरेंज किया है। तो ये ओवरऑल मेरे घर का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। और चूंकि मैंने किचन का कुछ सामान इधर लगाया था तो अब इसके बाद में किचन में भी मैंने कुछ चेंजेस किए थे, पहले आपको यहाँ का पूरा दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से लग रहा है पूरा, आपने पहले भी देखा ही है। तो अभी चलते हैं किचन में। तो किचन में मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, ये है मेरा DIY लैंप जो कि मैंने बनाया था, और ये है टिश्यू होल्डर, ये भी DIY है। तो आप सबके साथ में ये लैंप मैंने शेयर किया था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे बहुत प्यारा लगता है और बहुत सारी तारीफ़ें भी मिल चुकी हैं। और टोटली वेस्ट मटेरियल से बनाया था। तो अगर आपने ये चेक नहीं किया तो इसका लिंक भी ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा या फिर आपको एंड ऑफ स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको पसंद आएगा और बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे पूरे घर में आपको बहुत सारे DIY मिल जाएंगे, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी
कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि यहाँ पर जो मेरे इसके माइक्रोवेव के ऊपर जो सामान रखा था वो मैंने रख दिया। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन इस कुकर के ऊपर आते हैं, गीक का जो कुकर मैंने परचेज किया था, तो लोग पूछते हैं कि आप अभी भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जी हाँ, मैं बहुत इसको इस्तेमाल करती हूँ। स्पेशली मैं आपको बताऊं, जैसे कि पुलाव वगैरह होता है, बिरयानी है, या फिर सिंपल चावल है, दाल है, या फिर अगर छोले वगैरह बनाने होते हैं या कोई वैसी सब्जी बनानी होती है, जैसे कि मुझे कहीं बाहर जाना होता है, तब मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि इसमें अगर मैंने बना करके तैयार करके छोड़ दिया है तो ये आ जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो नॉर्मल ही आता है, थोड़ा सा ज़्यादा तो आएगा ही, देखिए अगर आप कोई भी चीज़ का यूज़ करते हैं। और अन्वेषा को पूछ रहे थे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, तो ये देखिए आज मैं अन्वेषा को भी दिखा रही हूँ, और अन्वेषा की क्लास चल रही है, क्योंकि आप सभी को पता ही है बच्चों की ऑनलाइन स्टडी चल रही है, तो अन्वेषा भी वही अटेंड कर रही है। आपके बच्चों की कैसी चल रही है मुझे कमेंट में बताइएगा। और अब मैं आई हूँ अपनी बैल्कनी में, जिसका मेकओवर या थोड़ी सी साफ सफाई मैंने अभी की थी, आप सबके साथ में शेयर भी किया था, तो ये दिखा रही हूँ। और अभी मैं करूँगी अपनी बैल्कनी के कुछ सामान की रिपेयरिंग और साफ सफाई, और थोड़ा सा ये है वो सामान जिसमें कि आप देख सकते हैं ये बर्ड हाउस है, और एक ये मेरे पास बहुत पुराना है, मैं लेकर के आई थी, आपके साथ में शेयर भी किया था, इस पे पेंट पहले भी मैंने ही किया था, और एक ये है, ये मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट में दिया था, काफ़ी पुराना है, टी लाइट कैंडल होल्डर, और एक ये है यहाँ पर शेल्फ टाइप की है, ये भी DIY है, आप सभी के साथ में मैं शेयर कर चुकी हूँ ये DIY भी, और इन सबको आज मैं बिल्कुल नया बना दूंगी और बिल्कुल चेंज करना है, क्योंकि क्या होता है ना कि बैल्कनी में अगर कलरफुल चीज़ें रखी हों और अच्छी मेंटेन चीज़ें रखी हों तभी आपकी बैल्कनी अच्छी लगती है। और मेरे साथ में तो क्या आदत है ना कि अगर मुझे कोई चीज़ लगी कि ये ख़राब लग रही है, तो जब तक मैं उसको ठीक ना कर लूँ वो चीज़ मेरी आँखों में चुभती रहती है कि मैंने उसको अभी तक ठीक क्यों नहीं किया है और ये ख़राब क्यों है। तो इसको मैं पहले पेंट करूँगी सारे सामान को, उसके लिए मैंने नैरोलैक का पेंट लिया है, ये हार्डवेयर शॉप पर, पेंट वाली शॉप पर इजीली मिल जाता है, और उसके अंदर स्ट्रेनर डाला है, तो अगर आपको स्ट्रेनर चाहिए, स्ट्रेनर काफ़ी सारे कलर्स में आता है, तो मैं येलो कलर का स्ट्रेनर डाल रही हूँ वाइट कलर के अंदर। और हार्डवेयर शॉप पर अगर आप स्ट्रेनर करके बोलेंगे कि कलर स्ट्रेनर चाहिए तो वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, कई सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे इसलिए ये बता रही हूँ। तो सभी सामान को पहले मैं येलो कलर से पेंट कर दूंगी और डबल कोट करूंगी, जिससे कि जो पेंट है वो बहुत अच्छा वाला निकल करके आए, और जब सूख जाएगा पहला वाला कोट तब मैं दूसरा पेंट करूंगी, यानी कि दूसरा कोट करूंगी। अब ये जो मेरा टी लाइट कैंडल होल्डर था, ये मेरा इसका एक पैर टूट गया है, तो उसके लिए अगर आपके पास मॉडलिंग क्ले हो या फिर एमसील हो, तो उसकी छोटी सी गोली को अगर आप ग्लू से चिपका देते हैं, चाहे नॉर्मल पीवीए ग्लू से ही चिपकाएं, तो वो जम जाती है और अच्छे से रहेगी। लेकिन मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने क्या किया है, ये सिल्वर फॉइल पेपर को मैंने लिया, उसकी एक छोटी सी बॉल बनाई और मैंने ग्लू गन की हेल्प से इसको स्टिक कर दिया। हालांकि ग्लू गन की हेल्प से ये स्टिक हुई नहीं, तो मैंने जो सुपर ग्लू होता है, सुपर ग्लू की हेल्प से मैंने स्टिक किया, तब हुई है। ग्लू गन जो होता है वो मेटल पर काम नहीं करता है, तो मेटल की अगर कोई भी चीज़ हो तो वो आप उससे ग्लू गन से ना चिपकाएं। ये चिपक तो गया था, मैंने ग्लू गन से जब चिपकाया, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो निकल गया था, तो इसीलिए जब मैंने बाद में सुपर ग्लू से चिपकाया तो फिर वो चिपक गया था। तो ये देखिए मेरा टी लाइट कैंडल होल्डर भी पेंट हो गया, और इसके बाद में अब मैं इन चीज़ों को कर रही हूँ डिज़ाइनिंग। और डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने लिया है एक्रेलिक कलर, तो ये मरून कलर से, एक्रेलिक कलर से मैं कर रही हूँ इसके ऊपर डिज़ाइनिंग। इसके अंदर ग्रूव्स बने हुए थे, तो मैं इसी तरीके से ग्रूव्स के ऊपर ही पेंट कर रही हूँ। बिल्कुल प्लेन था ये, मिट्टी के बर्तन वगैरह जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पर आसानी से मिल जाता है। तो ये देखिए येल्लो के ऊपर ऑरेंज कलर मैंने किया है, क्योंकि पहले मरून कलर था, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो अबकी बार चेंज कर देती हूँ। और ये है मेरी वॉल शेल्फ, इसको भी मैंने चेंज कर दिया है, पहले इसके ऊपर बर्ड हाउस बना हुआ था, अभी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पर एक मेरे पास ये फोम की बटरफ्लाई पड़ी हुई थी, मैंने कट करके रखी हुई थी कुछ बटरफ्लाइज़,
तो वो मैंने लगा दी है। ये नॉर्मल पीवीए ग्लू की हेल्प से लगाया है। और यहाँ पर मैंने लगा दी हैं कुछ नेल्स, तो नेल्स लगाने से अभी ये एज ए की होल्डर यूज़ कर सकते हैं आप। ऊपर के साइड में छोटा सा प्लांट पॉट लगा दीजिए, नीचे कीज़ वगैरह रख सकते हैं, तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बैल्कनी में लगाऊंगी क्योंकि एज ए बैल्कनी डेकोर भी यूज़ में आएगा, और इसमें कुछ और भी करना है जो आपको आने वाले वीडियोज़ में देखने को मिलेगा। तो अभी मैं बर्ड हाउस जो है, जो मेरा मिट्टी का बर्ड हाउस था, उसको डेकोरेट कर रही हूँ, और ये कंप्लीट हो गया है। और ये जो मेरा टी लाइट कैंडल होल्डर था, उसके ऊपर के जो शीशे थे वो मैंने साफ़ कर लिए। और देखिए, इसको मैंने रखा है अपने बर्ड हाउस को यहाँ पर अपनी दूसरी वाली बैल्कनी में। कितना खूबसूरत और कितना शाइनी लग रहा है ना। और ये है मेरा वो, आप इसको की होल्डर कहिए या फिर शेल्फ़ कहिए, शेल्फ़ वाला की होल्डर है। कितना खूबसूरत बन गया ना। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आज का इतना ही था। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले विद बेल बटन, इसी टाइप की वीडियो आगे भी देखने के लिए। जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ में। ज़रूर देखिए। तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी एक्टिव।